नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मॉब लिंचिंग का शिकार होने से भागलपुर में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान बांकामरपुर के गोरगावा निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि युवक एक शादीशुदा महिला से मिलने के लिए आया था और इसी दौरान ग्रामीणों ने पकड़कर लाठी डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। लोगों का कहना है कि महिला 3 बच्चों की माँ है, जबकि पकड़ा गया युवक अविवाहित है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव का माहौल है। इधर एसएसपी बाबूराम ने बताया कि ग्रामीणों ने युवक को चोर समझकर पिटाई कर दी, लेकिन बाद में महिला के पति ने बताया कि मृतक से उसकी पत्नी का वैध संबंध था, जिसके कारण ग्रामीणों के हत्या चढ़ने पर उसकी पिटाई कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पिता का नाम मदन कस्मा, घर कहाँ है? थाना मरपुर, जिला बांका। तो जो है महिला से पहले बातचीत करता था? नहीं, तो महिला से बात नहीं करते थे। तो महिला से बात नहीं करते थे। तो तुम लोग के साथ क्या बजे घटना घटा है? रात में 2 बजे। तो तुम लोग कौन सी से आया था यहाँ से लेकर? भागलपुर से ट्रेन से। ट्रेन से? इसके पास मोबाइल बात पहले होता था उससे महिला से? क्या नहीं, उससे बात नहीं होती। तो डायरेक्टर कैसे पहुंच गया घर वहाँ? ऐसा कुछ बात नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? बांदर कुमार। आपसे वो कॉन्टेक्ट कैसे किया? रॉन्ग नंबर से। कितना दिन से रॉन्ग नंबर पे बात हो रही थी? यही दुर्गा पूजा से। तो दुर्गा पूजा से रॉन्ग नंबर पे बात कर रही थी? हम बात ज़्यादा देर तक नहीं कर रहे थे। हाँ। सिर्फ यही झगड़े के बात हो रहा था। क्यों हमको परेशान करते हैं? आपके घर में माँ बहन है या नहीं है? बोला कि है, तुम क्या कर लीजिएगा। तो हम बोले हम क्या करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना को लेकर लंबे समय से कवायद जारी है और इसको लेकर राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को पत्र भी भेजा जा चुका है। इसकी मांग को लेकर राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में केंद्र सरकार के समक्ष पूर्व में मिल चुका है। वहीं इसको लेकर विभाग के स्तर से सभी जिले के डीएम को निर्देशित भी कर दिया गया है, जिसको देखते हुए जातिगत जनगणना को लेकर भागलपुर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जातिगत जनगणना करने वाले कर्मियों एवं ट्रेनर को कई दिशा निर्देश भी दिया गया। ट्रेनिंग में जगदीशपुर, सबौर और गुवाहाटी सहित हाबीपुर के ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना के अलावा इसके पूरा होने के बाद सरकार की ओर से लाई जाने वाली कई योजनाओं में इसका लाभ होने की जानकारी दी गई। इधर प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेहतर ढंग से हर एक घर में जाकर जातिगत जनगणना करने के साथ हर तरह की त्रुटियों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी ट्रेनरों को घर घर जाकर जनगणना करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी को भी एक जगह बैठकर जनगणना नहीं करना है, बल्कि सही तरीके से जातिगत जनगणना को पूरा करने के लिए हर घर में जाकर मिलने और जानकारी एकत्रित करने की जरूरत है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में इन दिनों लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वहीं बुधवार को पीजी गर्ल्स हॉस्टल के छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासनिक भवन गेट पर धरना दे दिया। इस दौरान विश्वविद्यालय में तालाबंदी करने की बात करते हुए छात्राओं ने बाहर से गेट बंद कर दिया और वहीं पर धरने पर बैठ गई। पीजी विभाग के छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में 4 दीवारी नहीं होने की वजह से हॉस्टल के भीतर की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है, जिसके कारण अक्सर चोरी की घटनाएं भी होती रहती है। साथ ही कहा कि 4 दीवारी नहीं होने के कारण सभी छात्राएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि कई और भी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो छात्रावास में नहीं होने के कारण उन सभी को काफ़ी परेशानी होती है। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से अविलंब अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। रूम में हम लोग को सेफ्टी चाहिए, क्योंकि हम लोग के पीछे का पूरा 4 दीवारी टूटा हुआ है और हम लोग के 13 तारीख को जो है रात में 2:30 बजे 5-6 बदमाश घुस गए थे हॉस्टल में और हॉस्टल के छत पर थे। सर हमको सेफ्टी चाहिए हर एक चीज से, बिल्कुल सर, बस मेन सुरक्षा, रहने का सुरक्षा, हमको कोई समस्या नहीं है और कोई समस्या, हम लोग को बस सेफ्टी चाहिए। और हम लोग यहाँ 1 सप्ताह से दौड़ रहे हैं, कोई नहीं आते हैं हम लोग के यहाँ पे देखने तक के लिए, कोई नहीं जाते हैं और इंजीनियर के नाम पे बालू वाले को भेज दिया जाता है। भागलपुर नगर निगम चुनाव को लेकर चल रहे जनसंपर्क अभियान में लगातार तेजी आती जा रही है, जबकि महापौर और उप महापौर पद के प्रत्याशी भी अपनी दावेदारी
दावेदारी को मजबूत करते हुए शहर के विभिन्न वार्डों का चक्कर लगाकर लोगों से अपने समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में पहली बार चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आसमाने उतरी प्रतिष्ठित डॉक्टर वसुंधरा लाल भी अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क में जुटी हुई है। बुधवार को भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 और 3 के अलग अलग इलाकों में घर घर जाकर वसुंधरा लाल ने लोगों से मुलाकात की और हैंडबिल देकर अपने चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील की। इसके बाद महापौर प्रत्याशी ने सूर्यलोक कॉलोनी, चंद्रलोक कॉलोनी, बरारी रिफ्यूजी कॉलोनी, तुलकामांझी स्थित वार्ड नंबर 31 के अलावा वार्ड 18, 19, 20, 21 और 22 के अलग अलग इलाकों में लोगों से मिलकर समर्थन करने की अपील की। वहीं लोगों ने भी महापौर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल का जगह जगह स्वागत किया और शिक्षित उम्मीदवार को समर्थन देने का भरोसा दिया। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं इंद्रदेव प्रसाद सिंह हूँ, मेरा घर खगड़िया जिला पसराहा है। मैं जो है यहाँ पर डायबिटीज का इलाज कराए, अभी फर्स्ट टाइम में जब पहले तो हम ये कराए एलोपैथ से इलाज कर रहे, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हुए। अभी फर्दर टाइम में जो है ये डॉक्टर एके राय के निकट से डायबिटीज का इलाज कराए, तो एक सप्ताह में जो है फर्स्ट टाइम में जो एक सप्ताह हुआ और उसके बाद से जो हमको परिवर्तन आया, काफ़ी बेनिफिट आया और अभी हमारा रोगी ठीक है। और 3 महीने के बाद भी दवाई खाए, पहले खाए उसके बाद जो है अभी रेस्ट ले लिए हैं, लेकिन स्थिरांक में है। मैं एक महीना से तो दवा नहीं खा रहा हूँ, लेकिन जो है ये डायबिटीज़ का जो है पोजीशन सब कुछ खाने के बाद भी अभी ठीक है। इस इलाज पर विश्वास है, गर्व से मैं कहता हूँ कि मुझे मैं संतुष्ट हूँ। और मैं क्या कहूँ, इसी तरह आप लोग सेवा में आए और इस सेवा का लाभ लें। मेरा नाम नूर आलम हुआ, गोपालगंज से हैं। हमको शुगर लमसम 3 साल से था। 3 साल पहले मालूम चला तो हमने आयुर्वेद का दवा खा रहे थे, पर कभी उसमें कम हो जा रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर साहब का मालूम चला, हम यहाँ आए, आकर दिखाए हैं। लमसम लगातार 5 महीने 4 महीने के आसपास दवा खाए हैं। अभी 2 महीने से दवा हम नहीं खा रहे हैं, फिर भी मेरा 139 है सब कुछ खाने के बाद। शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भागलपुर सुल्तानगंज अघुवाली पुल निर्माण कार्य को लेकर कोलगामा गांव के लोगों ने अंडरपास की मांग को लेकर बुधवार को सड़क पर शव रखकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कोलगामा के ग्रामीणों ने बताया कि अघुवाली पुल निर्माण कार्य उनके गांव के समीप हो रहा है, जहां से उनके गाँव के लोग जनाजा लेकर कोलगामा कब्रिस्तान में दफन करने जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास नहीं बनने से उन लोगों के साथ महादली टोला के ग्रामीणों को भी आवागमन में काफी परेशानी होती है। वहीं जिलाधिकारी और अघुवानी पुल निर्माण कार्य के पदाधिकारी से कई बार मांग करने के बावजूद अंडरपास नहीं बनने के विरोध में लोगों ने हंगामा और प्रदर्शन किया। हम लोगों का मांग है कि ये 1000 की आबादी है, मुस्लिम हम लोग मुस्लिम लोग हैं, जिसका जनाजा वगैरह जाने का रास्ता यही है। ये अघुवानी पुल बन रही है, हम लोग एक कन्वर्ट मांगना चाह रहे हैं, जिससे हम लोग का जनाजा का नमाज वगैरह, और देखते हैं यहाँ बाजू में हरिजन टोला है, इन लोगों का भी आने जाने का रास्ता नहीं है। ये बाढ़ पीड़ित का निकास, बाढ़ पीड़ित का एरिया है और स्कूल है, वहाँ बच्चे लोग आते हैं, तो हम लोग को एक तो कन्वर्ट मिल जाता, तो जिसकी वजह से समाज के अंदर जनाजा जाए, बच्चे लोग स्कूल जाएँ, तो उनका साधन हो जाता। क्या मजा ये है कि हमारा कब्रिस्तान बगल में पड़ता है और जो सरकार कौन कब्रिस्तान पड़ता है जी, कहाँ पड़ता है? जहाँ दफनाते हैं मैयत को, हम अपने जो मैयत को जो दफनाते हैं उसको कब्रिस्तान कहते हैं। उस कब्रिस्तान में जाने का यही एक मार्ग है, रास्ता है, जिसको कि ये रोड बनने के बाद क्लोज हो रहा है। तो हमारा कहना था कि 15 से 20 फीट का कम से कम जाने का एक रास्ता, छोटा सा अंडरपास दे दिया जाता तो इससे हम लोगों को मैयत ले जाने में आसानी होता, क्योंकि मैयत को कोई गोदी में लेके नहीं जाता है। अगर कल जो है जाम हो जाता है, ये रोड कंजेस्टेड हो जाता है, तो हम मैयत किधर से ले जाएंगे? आप लोग क्या किए इसके लिए? जी, इसके लिए हम डीएम साहब का माने आवेदन दिए थे, कमिश्नर साहब का आवेदन दिए थे, जिसका कि जांच भी यहाँ आया हुआ था, जिसका जांच 1.5 साल 2 साल पहले आया हुआ था, उसके बाद इस पर कोई ऐसा स्टेपेट नहीं लिया गया अभी। देख, भागलपुर कहलगांव नगर परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 4 से वार्ड सदस्य पद पर निर्वाचित मणिकांत मंडल के जीत का जमकर जश्न मनाया गया, जिसमें राइफल से कई राउंड फायरिंग भी की गई। जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने हाथ में राइफल लेकर कई राउंड फायरिंग की, जहां काफी संख्या में भीड़ भी खड़ी देखी गई। वहीं इस तरह की लापरवाही से अगर किसी को गोली लग जाए तो किसी की जान भी जा सकती थी, लेकिन जीत के जश्न में इसकी कोई परवाह नहीं थी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद भी अब तक पुलिस प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मिली थी कि कहलगांव थाना अंतर्गत एक प्रत्याशी फायरिंग करते हुए एक वीडियो में दिखाए गए हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए, पता लगाने के लिए थाना को निर्देश रात में ही दिया गया था, उस पर भी अभी अपडेट थोड़ी देर में। भागलपुर के नरगा मोहनपुर टेंडर हार्ट किड्स प्ले स्कूल में वार्षिक सह क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छोटे छोटे बच्चों ने जिंगल बेल की धुन पर जमकर मस्ती करते हुए लोगों का मनोरंजन किया, जबकि क्रिसमस के थीम पर कई कार्यक्रम की प्रस्तुति स्कूल के बच्चों ने दी। इस दौरान सांता क्लॉज ने बच्चों के बीच ट्रॉफी और उपहार बांटा, जबकि बच्चों ने कार्यक्रम में जमकर लुत्फ उठाया। वहीं प्रिंसिपल मोना क्वाड्रेस ने क्रिसमस को लेकर कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देना है। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने का अनुरोध भी किया। साथ ही प्रिंसिपल ने कार्यक्रम के अंत में क्रिसमस और आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए समारोह का समापन किया। मौके पर जिमी क्वाड्रेस, पंकज मोसेस, दिलीप जोन समेत स्कूल के बच्चों के अलावा शिक्षक, शिक्षिका एवं अभिभावक मौजूद रहे। दिन का प्रोग्राम है, अब साल खत्म भी हो रहा है और हम लोग कोविड के समय में बहुत ही परेशान रहे और बहुत दिनों से हम लोगों का प्रोग्राम नहीं हुआ था, और इस बात की भी खुशी है कि ये साल हम बहुत अच्छी तरह से गुजारे, सही सलामत सब रहे, और हमें आशा है कि आगे भी हम अच्छे ही रहेंगे। और ये एक गेट टुगेदर है पेरेंट्स और बच्चों का, और इसमें बच्चे कुछ अपनी टैलेंट्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने टैलेंट से बच्चों को और पेरेंट्स को मंत्रमुग्ध करना, खुशी करना, और एक क्रिसमस सेलिब्रेशन के रूप में भी हम लोग इसको, क्योंकि क्रिसमस बहुत नज़दीक है और क्रिसमस भी आने वाला है और उसका सेलिब्रेशन भी है ईयर एंडिंग का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।